हेलो एवरीवन, आई कनिका जैन वेलकम यू ऑल ऑन एसजी कैंपस। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। ये एक एक पर्चा है जो बहुत ज़्यादा घूम रहा है इंस्टाग्राम पे, या फिर आप ये कह लो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मतलब सर्कुलेट हो रहा है। तो इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं ये आप लोगों को ही पकड़ना है, मैं नहीं पकड़ूंगी, ठीक है। सबसे पहली बात ये, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन गलतियों को करने से बचें। मुझे नहीं पता कि किसके किसका स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, मतलब इंस्टा पे बहुत चल रहा है और मोस्टली लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है, आपको देखने को मिल रहा होगा, इधर देखिए भाई फटाफट से क्या लिखा है यहाँ पर, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो बीइंग अ कॉलेज लेक्चरर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट हाउ यू हैव टू से, हाउ यू हैव टू स्पीक एंड हाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ व्हेन यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन टू दी अथॉरिटीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वट, कि आप यहाँ पर बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम अपने बारे में बोलते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा प्रिसाइज, एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब एक शॉर्ट कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस में हम यहाँ पर अपनी बात को कर भी पाए और सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ दे। बहुत सारे लोगों के पास उतनी ही स्ट्रेंथ है जितनी आपके पास है, बहुत सारे लोगों के पास उतनी क्वालिफिकेशन है जितनी आपके पास है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उन चीजों से बचना है जहां पर हम ये गलतियां करते हैं। कौन सी गलतियां हैं आप खुद ही देखोगे। इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, अंग्रेजी में हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। टेल योर नेम, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम बताएंगे, इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, हॉबीज बताएंगे, स्ट्रेंथ बताएंगे, स्किल बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे। मैं कहती हूँ कि सबसे पहले हमें ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग जरूर रखनी चाहिए। बींग अ टीचर, केवीएस कोई नया संगठन नहीं है, केवीएस एक पुराना सही संगठन है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ हर्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू इंटरव्यू विद यू, मतलब इस तरीके से अपनी बात को भी कह सकते हैं, या और भी तरीके हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये नहीं भी करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो तय है बात कि जब भी कोई बड़ा होता है या सामने जो टीचर है जो रिस्पेक्टेबल है या जो भी है उसके पास, मतलब उसको अच्छा लगता है सामने वाले को। अब आप ये देखो कि सड़क पर चलते हुए किसी को भी पैर छुओ तो एक अच्छी फीलिंग आती है, गुड वाइब्स आती है कि नहीं आती है। तो ये समझिएगा कि ये हमारे कल्चर में ही है, ठीक है, दिस रिस्पेक्ट इज इन आर कल्चर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बोल सके तो ठीक है, नहीं बोल सके तो सिंपली आप यहां से शुरू कर सकते हैं। अब यहां पर इसमें लिखा हुआ है, इधर देखो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, या हेलो सर बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे। आई एम गोविंद चौधरी, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, आई डिड बीएड फ्रॉम अलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। इफ आई टॉक अबाउट माय हॉबीज, आई एम कीन टू टीच एज आई फाइंड एंजॉयमेंट टू गाइड द स्टूडेंट्स। क्या ये लाइन सही है, ठीक है, ये आपको बतानी है, ये मैं नहीं बताऊंगी, आपको बतानी है। मैं तो बताऊंगी यहाँ पर क्या क्या गलतियां हैं, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नॉर्मली अपने बात को कन्वे करने में मिस्टेक्स है, ठीक है। अभी तो देखो, अब एक चीज और लिखी है, आई एम रियली बी मोटिवेटेड, आई नेवर लुक्ड बैक, लुक बैक, ठीक है, आई एम रियली बी मोटिवेटेड, क्या ये बात सही है, आई एम रियली बी मोटिवेटेड, मैं तुमसे पूछ रही हूं, ठीक है, आई नेवर लुक्ड बैक, मैंने कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखा, मतलब इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। इन माई होल लाइफ आई ऑलवेज थिंक टू प्रोग्रेस, आई एम ऑल्सो अ गुड कम्युनिकेटर एंड एंगेज विद द पीपल ईजिली, ठीक है। ये इन्होंने अपनी बात को इस तरीके से लिखा है, क्या ये सही लिखा है, बहुत सारे लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इन सारी चीजों को हमें नहीं करना है जो और लोग फॉलो कर रहे हैं इसे। टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, इट इज बेस्ट, मतलब इट इज बींग 7 years टीचिंग टू मी इन इंटर कॉलेज इन माई होम टाउन, क्या ये बात सही है, बताओ। ड्यूरिंग दीज ईयर्स आई लर्न अ लॉट थिंग्स अबाउट टीचिंग, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। तो सबसे पहले अब बात आती है कि यदि आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इंस्टा पे बहुत घूम रहा है, तो ध्यान रखिएगा अब हमें क्या बोलना है। तो सबसे पहले बात आती है, यदि हम कभी भी इंटरव्यू कर रहे हैं या सामने बैठे हैं, सबसे पहले बात आती है ग्रैटिट्यूड की, ठीक है। मैं नंबर्स में पॉइंट्स में बता रही हूं और इसमें गलतियां भी बता रही हूं। सबसे पहली बात क्या आती है ग्रैटिट्यूड की, ग्रैटिट्यूड दे सको तो ठीक है। अब आप कहोगे कि हमने अपने आप से ही करी है, हमने खुद से किया है, अरे सभी ने सब कुछ अपने आप से ही किया होता है, कोई ऐसा इंसान है जिसने नहीं किया होता। लेकिन सामने अगर कोई बड़ा बैठा है या सामने कोई ऐसा बैठा है तो हम ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत लोग आपको बहुत लोग आपको कहेंगे भी कि नहीं करना चाहिए बड़ों के सामने वैसे भी, और ध्यान रखिएगा केवीएस संगठन जो है वो
कहीं ना कहीं ओल्ड ट्रेडिशन के ऊपर फॉलो करता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरे नंबर पे आता है, आपको यहां पर ये नहीं बोलना आई एम गोविंद, आपको क्या बोलना है, माय फुल नेम इज दिस, ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा, माय फुल नेम इज दिस। वो लोग आपके नाम को जानते हैं, वो लोग आपकी क्वालिफिकेशन को भी जानते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है। और दूसरे नंबर पर क्या आनी चाहिए, दूसरे नंबर पर आने चाहिए कि आप कहां से हैं, यानी कि आपका प्लेस कहां पर है। तो नो डाउट सबसे पहले आप क्या बोलोगे, नेम, उसके बाद प्लेस होना बहुत जरूरी है, उसके बाद क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब क्वालिफिकेशन में भी बार बार आप ये नहीं बोलोगे मैंने इस ईयर में ये डिग्री पास करी, इतने परसेंटेज से पास करी, उनके पास पूरा का पूरा बायोडाटा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोलना है कि दैट आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन दिस, ठीक है, सिर्फ इतना बोलो। और अगर यूनिवर्सिटी बोल सको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिवर्सिटी भी बोलो तो आप नेक्स्ट लेवल पर क्वालिफिकेशन बोल सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा बार बार परसेंटेज बोलना ये सही नहीं है। आप यहां पर ये बताएं क्वालिफिकेशन में कि आपने ये डिग्री कर रखी है और यहां से कर रखी है, ये बहुत मैंडेटरी होता है बोलना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या होता है, जब हम ऐसे बोलते हैं कि मैंने इतनी परसेंटेज से इतने ईयर में जो है वो करी है, तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं हम ही और सामने वाला बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, यदि आप कर सको तो। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब ये कहीं ना कहीं दिखना चाहिए कि वाई केवीएस। अब बहुत सारे लोग जो है वो केवीएस में या वाई टीचर, इससे भी पहले वाई केवीएस से पहले वाई टीचर, टीचर ही क्यों, ठीक है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ये भी शो होना चाहिए। तो आप यहां पर कह सकते हैं अपनी बात को बहुत अलग अलग तरीकों से, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में किस तरीके से बता सकते हैं, उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, उसमें पूरा का पूरा ब्रीफिंग कर रखी है कि यदि आपको इंट्रोड्यूस करना है आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका जो दिल है ना वो बच्चों के लिए है, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि बच्चों के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही डीपेस्ट लव है बच्चों के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए और ये समाज का उद्धार करने के लिए, कहीं ना कहीं ये लव है, ये शो करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आए हो तुम टीचिंग में, पैसा कमाने के लिए आए हो क्या? पैसा कमाने के लिए आए हैं, सभी आए हैं नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट बोलते हैं ना, डायरेक्ट बोलना भी सही नहीं है। एक और चीज है कि बच्चे रूट है, किसी भी सिस्टम का रूट होते हैं, जड़ होते हैं, यदि उस सीड को ही, ध्यान रखिएगा आपकी बातों में भी ये निकलना चाहिए, ये इमोशन निकलने चाहिए, यदि उस सीड को ही अगर हम सही कर दें तो पूरा पेड़ ही बढ़िया नहीं हो जाएगा, तो ये शो होना चाहिए, ठीक है। वाई टीचर, फिर वाई केवीएस, वाई केवीएस, फिर वाई केवीएस, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर क्या गलतियां हैं, ये पांच बिंदु तो होने ही चाहिए। अब यहां पर सबसे पहले ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत है, ठीक है, अगर आप गोविंद देख रहे हो तो बुरा मत मानिएगा, इसे आप करेक्ट कर सकते हैं यदि आप चाहो तो, और बट ये तो सही नहीं है, ठीक है। इधर देखो भाई, आई डिड बीएड फ्रॉम अलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, यहां पर आई एम करेंटली परस्यूइंग, जो भी है वो भी आप बोल सकते हैं कि आप करेंटली क्या परस्यू कर रहे हो और अभी आपने रिसेंटली क्या किया है, ध्यान रखिएगा आप इसको बोल सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज, नहीं ये नहीं होना चाहिए, माई हॉबीज आर डायरेक्टली आप बोल सको, मतलब डायरेक्टली आपको बोलना है कि आपको हॉबीज भी नहीं बोलनी है, आपको भी बोलना है कि स्पेयर टाइम में मुझे ये करना पसंद है, स्पेयर मतलब खाली टाइम में, हॉबीज का मतलब वही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपको हॉबीज इतनी पसंद है तो आप टीचिंग एरिया में क्यों हो, अगर आपने बोल दिया किसी और चीज को पैशन में बोल दिया ना, किसी और चीज को जैसे डांसिंग हो गया, ये मेरा पैशन ये है, तो ध्यान रखिएगा वहीं पर आप एडिट हो जाओगे। टीचिंग इज योर पैशन, टीचिंग इज योर पैशन, टीचिंग लाइन में कोई अदर सब्सिट्यूट नहीं होता, टीचिंग ही, बच्चों को पढ़ाना ही पैशन है, मन करता है मेरा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यही होना चाहिए। अब यहां पर आई हैव नेवर लुक बैक, मतलब इसमें तो पहले तो स्पेलिंग मिस्टेक कह रही हूँ, टेंसेस की बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, तो आई नेवर लुक बैक, मैंने कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखा, आई एम रियली बी मोटिवेटेड, आई नेवर लुक बैक, क्या ये सेंटेंस सही है? नो, इट इज टोटली इनकरेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा जब भी आप एंड करें इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं ही हूं टीचिंग के लिए, मतलब आई एम जस्ट फॉर टीचिंग, मतलब मेरे को मन करता है या पढ़ाने का, या मेरे ऊपर से लेकर सर से लेकर नाखून तक टीचिंग ही बसी है, ये दिखना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आए तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ जो है एक वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के साथ मैं मिलती रहूंगी, एक सीरीज हम शुरू करते हैं जिसमें क्या गलतियां होती हैं मोस्टली, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, इसको हम देखते हैं, ठीक है। बायोडाटा में हमें क्या लिखना चाहिए, शॉर्ट नोट में हमें क्या लिखना चाहिए, और स्पेशल जो आपके अचीवमेंट्स है उसमें हमें क्या
लिखना है, उसमें झूठ तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या लिखे जिससे बेहतर और बनाया जा सकता है, इसके लिए एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। सो मेक श्योर, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे कि आई एम अ कॉलेज लेक्चरर, आपको पता भी होगा, बायोग्राफी भी है जो देख सकते हैं। बस मैं इतना कहूंगी, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सुना, जितना मैंने पढ़ाया पीपल टीचर्स को, बस एक ही चीज कहूंगी, गलती मत करिएगा। बहुत ज्यादा गलतियां होती है जब हम इंटरव्यू बोलते हैं, मतलब इंटरव्यू में आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें आती जाती चीजें जो है वो हम भूल जाते हैं। पेशेंस होके, मतलब बहुत ही पेशेंटली आपको यहां पर अपनी बात को रखना है, ठीक है। एंड इट इज अ मैंडेटरी दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। चलिए, तो और वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इसको करेक्ट कीजिएगा। पहला प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये वीडियो आप देख सकते हैं बाय कनिका जैन, ठीक है। नमस्कार साथियों।